नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज भारत का अंतरिम बजट आ चुका है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन यूपीएससी के लिए कुछ और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जी हाँ, सरकार ने जो सामाजिक सेवा कार्य हैं और जो लोकोहित है, जिसमें हम लोग अंत्योदय जिसे कहते हैं, उसको फोकस करते हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताए हैं। जब मैं इस डॉक्यूमेंट का अध्ययन कर रहा था तो मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई पड़ी। आप जानते हैं कि हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में और तमाम स्टेट एग्जाम्स में प्रोग्राम एंड पॉलिसी यानी नीतियाँ और कार्यक्रम से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। कितनी प्रोग्राम एंड पॉलिसी पढ़ें, अगर आप मार्केट में कोई बुक देते हैं तो इतनी मोटी मोटी किताबें प्रोग्राम एंड पॉलिसी से जुड़ी होती हैं। मैं आपका गाइड ओजांक आज इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहा हूँ कि भारत के बजट 2024 में कुछ नीतियां और कार्यक्रम ऐसे दिए हुए हैं कि इसको अगर आप अपनी पढ़ाई में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले समझते हैं कि सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रम में दो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरीज के बारे में बात किया है जिनकी नीतियों और कार्यक्रमों को पढ़कर, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेकर आम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं उन कार्यक्रमों के बारे में उनकी एक लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और अगर आप इनको अपनी पढ़ाई में लेकर आएंगे, आप हमसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सर इनके बारे में और डिटेल पढ़ाएं, तो निश्चित रूप से हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक और आज इसी के विषय में बात करते हैं कि कौन कौन सी नीतियाँ और कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम बजट 2024 के अगर हम डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दें तो उन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण कैटेगरीज में बात की है कि जिन पर हमारा जो है वो एक डायमेंशन क्रिएट होता है, जिसमें पहली कैटेगरी है अति महत्वपूर्ण यानी कोर ऑफ द कोर स्कीम। इसका नाम रखा गया है कोर ऑफ द कोर स्कीम, जो सरकार का ध्येय है, जिसको फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है, जिस पर ये वर्तमान सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्फेसिस कर रही है, अच्छा खासा बजट लगा रही है और मानती है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में इनका बहुत ज़्यादा जो है उपयोग है, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है और जो अंत्योदय का कॉन्सेप्ट है इसके माध्यम से सरकार काफ़ी कुछ पूरा कर सकती है। तो चलिए समझते हैं कि जो पहली कैटेगरी है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में, उन कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं और वो कैटेगरी हमारे लिए किस प्रकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो हमारी स्कीम आ रही है, जैसा आप जानते हैं कि जिसका नाम है मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। मनरेगा कार्यक्रम आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है और जिसके माध्यम से सरकार बहुत कुछ ऐसे परिवर्तन कर रही जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो करेंसी फ्लो है, पैसे का प्रवाह है, वो लगातार बना रहता है। तो सरकार ने मनरेगा को जो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम में, कोर ऑफ द कोर प्रोग्राम में सबसे वन रखा है। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है, आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, हमसे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी स्कीमें पढ़नी है वो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस बजट में बहुत कुछ इस बार प्रीलिम्स के लिए रखा गया है। दूसरी स्कीम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो दूसरी स्कीम है उसका नाम है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP। NSAP बहुत समय से सभी सरकारों के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में जाना गया है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राइट। तो इसके अंतर्गत ये अम्ब्रेला स्कीम के रूप में, और ये सभी अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर ढेर सारी छोटी छोटी स्कीम्स संलग्न रहती हैं। तीसरी कैटेगरी जो है कोर ऑफ द कोर प्रोग्राम में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, चाहे वो आपके यहूदी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, इन सभी पारसी समुदाय हो, तो अल्पसंख्यक विकास समावेशी कार्यक्रम, मैंने जो यहूदी कहा यानी पारसी कहा वो उनको मैंने एक क्लब में लिया है, जैन हो गए, तो अल्पसंख्यक विकास समावेशी कार्यक्रम यानी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी सरकार की फ्लैगशिप कोर ऑफ द कोर प्रोग्राम्स में से एक है। तो यानी इसके लिए भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपको जैसे कुछ मिला पढ़े यहाँ पर पढ़ाई जरूर आप इसकी कर लें। अगला जो प्रोग्राम है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और उस प्रोग्राम का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और वो हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु समावेशी कार्यक्रम यानी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स। तो अन्य वंचित समूह जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, सरकार उनको तरह तरह से जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है, ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसके अंतर्गत बहुत सी स्कीमें शामिल रहती हैं। अगली स्कीम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगली स्कीम है अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए
समावेशन कार्यक्रम यानी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो अनुसूचित एसटी ग्रुप्स होते हैं उनके विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि जो सबका साथ सबका विकास का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत चाहे अल्पसंख्यक समूह हो, चाहे वो अनुसूचित जनजातियां हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इन सभी के लिए जो है वो लगातार सरकार कार्यक्रम लेकर आ रही है। दोस्तों अगली अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है उसके विकास के लिए समावेशी योजना। तो अब जब तैयारी कर रहे हैं तो कोर ऑफ द कोर प्रोग्राम में इसके अंदर डिफरेंट जेंडर्स को यानी महिलाओं को शामिल किया गया है, अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया, ग्रामीण क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो ये जो 6 कार्यक्रम है वो कोर ऑफ द कोर कार्यक्रम के अंतर्गत माने गए हैं। इन प्रोग्राम्स के बारे में आप जरूर पढ़ें। अब हम बात करते हैं सबसे विहंगम क्षेत्र में बारे में, जो है सरकार की अन्य महत्वपूर्ण स्कीम यानी कि जिसको हम लोग कोर स्कीम कहा जाता है और जहां से इस बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आप कौन कौन सी स्कीम पढ़ेंगे ये ध्यान रखिए। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना PMY, जिसे हम लोग कहते हैं PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये आप जानते हैं कि इस पर लगातार प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में इस पर बहुत चर्चा की है, इस पर बहुत बातें हो रही हैं और इस बार एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके 2 सेगमेंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और ये सरकार के कोर प्रोग्राम्स में से एक है, फ्लैगशिप प्रोग्राम में से एक है और अंत्योदय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब आपने देखा कि प्रधानमंत्री अयोध्या गए दिसंबर में, तो वहाँ पर उन्होंने एक महिला जिनको जो है वो मकान जो है मिला था और उसके अंतर्गत उस महिला के घर पर जाकर उन्होंने चाय पिया। तो ये सारी चीज़ें बता रही कि जो चर्चा में है वो पर्चा में, एग्जाम में आने की इनकी बहुत संभावना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे सामने आ जाता है और दूसरा है जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत आता है और ये भी इस बार एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जल जीवन मिशन JJM जिसे हम लोग कहते हैं सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम में है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग है, जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल गोल है कि जिसके अंतर्गत हम अपने लोगों को साफ पीने का पानी देते हैं, उसके अंतर्गत ये गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और सरकार लगातार इसके लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। तो इस बार एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये आपका जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको आप पढ़ते हुए जाएंगे। अगली अगर हम बात करें कि कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगला जो कार्यक्रम है हमारा दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। आप जान रहे हैं कि लगातार इस पर बहुत चर्चा चल रहा है और इसी के अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड दिए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब सरकार ने अभी हाल ही में आपने 2-3 दिन पहले चर्चा सुनी कि सरकार यूनिवर्सल इसको यानी UHC यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंतर्गत इसको लेकर आ रही है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगभग देश की बहुत बड़ी आबादी को ये जो है वो फ्री स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोवाइड करने जा रही है। हर साल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो मेंस में हो, आउट ऑफ द पॉकेट की बात हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इस बार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। और याद रखें प्रीलिम्स में कई बार 11-11 क्वेश्चन तक जो है वो प्रोग्राम एंड पॉलिसी से आते हैं, 11 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आइए अगले हम सेगमेंट पर बात करें और वो है समग्र शिक्षा। शिक्षा को लेकर इस समय देश में बहुत सी चर्चाएं चल रही, खासतौर पर जिसमें हम नई शिक्षा नीति के बारे में बात कर रहे हैं, तो समग्र शिक्षा उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखती है और समग्र शिक्षा का जो ये कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शिक्षा से लेकर भी कार्यक्रम आ सकता है, याद रखिएगा। तो आप इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मानिए और यहाँ पर अपना जो है वो पढ़ाई करिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आंगनवाड़ी एवं पोषण, तो आंगनवाड़ी के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया जहां पर ग्रामीण महिलाओं लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं और जो गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चों को ये जो है वो न्यूट्रिशन कवर कराता है ICDS के अंतर्गत। तो जो ICDS आंगनवाड़ी सेवाएं हैं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना जिनको रक्ताल्पता यानी कि जो है एनीमिया हो जाती है, इसके अंतर्गत उन सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है। तो पोषण अभियान को इसके अंतर्गत डाल दिया गया है जिसमें महिलाओं के और माताओं के जो है पोषण को रखा गया है। तो लगातार इस पर भी बहुत चर्चा चली है, तो इस प्रोग्राम को भी आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी तैयारी करते हुए इस बार प्रीलिम्स में जाएंगे। अगली अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ग्रामीण सड़कों का जाल लगातार बिछाया जा रहा है और ग्रामीण सड़कों को नियर अबाउट कस्बे से जोड़ा जा रहा है और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक भारत का साझेदार है, काफ़ी बड़ी फंडिंग वर्ल्ड बैंक से आती है। तो इस पर जो है वो क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, फिर भी आप इसको जो है वो जानकारी में रखेंगे। अगली अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन जिसे हम लोग आजीविका भी कहते हैं, नेशनल लिवलीहुड मिशन, तो नेशनल लिवलीहुड मिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये भी जो है इस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ सकते हैं। अगली अगर हम बात करें दोस्तों तो जो कौन सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन बन जाता है, चलिए लेट्स सी, हम देखते हैं राइट उस मिशन को हम लोग समझते हैं। अगला हमारा कौन सा मिशन है और
इसके बाद हमारा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पोषण पीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण अभियान, ये एक जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक रहेगा इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो बजट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट, आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, और पोषण अभियान के बाद देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा हो सकता है, और वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये प्रीलिम्स में आ चुका है, राइट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो भारत में एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ी क्रांतिकारी योजनाओं में से एक मानी गई थी, और इस पर प्रश्न लगभग दो बार प्रीलिम्स में आ चुका है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में अध्ययन करते हुए आप जाएंगे। तो चलिए अगला हम जो है सेगमेंट देखते हैं दोस्तों, कि अगला हमारा सेगमेंट क्या हो सकता है। और अगले सेगमेंट में अगर हम ध्यान देखें तो हमारा जो अगला सेगमेंट निकल कर आ रहा है कृषि सिंचाई योजना के बाद, वो है शहरी पुनर्जीवन अभियान अमृत, अमृत और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस साल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार तमाम शहरों को अमृत शहरों के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर अर्बन रिजनरेशन मिशन। मेंस में भी इस पर क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आप जाएंगे, और इसकी जो बारीकियां हैं, चाहे इसके बजट की बात करें, कौन सा मंत्रालय है इसके में, साथ साथ कौन से प्रावधान नए इसमें जोड़े गए हैं, कितने क्षेत्रों में इसको लागू किया जाना है, लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। राज्यों की और केंद्र की क्या भागीदारी है, इसके बारे में भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। अगला अगर हम मिशन को देखें ध्यान से, तो अगले जो सेगमेंट में अगर हम थोड़ा सा जाते हैं, तो अमृत के बाद हमारा जो अगला सेगमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है, आप इसके बारे में भी जानकारी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम है जहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मे बी आपके लिए जैकपॉट साबित हो जाए और आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर पाए। नेक्स्ट हमारा जो योजना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कृषि विकास योजना के बाद अगली हमारी योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, एग्जाम में आ चुका है, आयुष्मान भारत जिसे हम लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसी स्कीम का एक जो है एक और पार्ट है ये, स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो स्कीम है एक अम्ब्रेला स्कीम, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगला अगर हम देखें तो थोड़ा और हम बात करते हैं कृषोन्नति योजना, यानी कि अगला जो हमारा है कृषि उन्नति योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चूंकि इस बार पॉसिबिलिटी है, सरकार एग्रीकल्चर को बहुत प्रॉस्परस करने की कोशिश कर रही है, आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, और एग्रीकल्चर से लगभग एक प्रोग्राम एंड पॉलिसी होती है, तो इस बार हो सकता है कि यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगली जो हमारा सेगमेंट है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आइए, और अगली हमारी योजना है स्वच्छ भारत मिशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑलरेडी प्री में मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर भी आपकी नज़र में स्वच्छ भारत मिशन पर जानकारी होनी ही चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्वच्छ भारत मिशन के बाद चलते हैं, ग्रामीण है, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो शहरी है, और आपने देखा कि स्वच्छता सर्वेक्षण होते हैं लगातार जो है, जैसे उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसे प्रथम आया, लेकिन पूरे देश में इंदौर जो है प्रथम रहा, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसके प्रभाव हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है असिस्टेंट टू स्टेट एजेंसीज फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एपीएस डीलर्स मार्जिन अंडर एनएफएसए, यानी एनएफएसए की जो है वो इसके अंतर्गत जो राज्यों के अंतर्गत जो फूड ग्रेन्स हैं उनके परिवहन हेतु कौन कौन से काम किए जा रहे हैं, क्या क्या सहायता दी जा रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही वियर्ड से आ जाते हैं। अगला जो है उन्नतिशील भारत के लिए पीएम स्कूल, पीएम श्री योजना जिसे हम लोग कहते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ये क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार इस पर जो है वो बात कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, इसको आपको पढ़कर जाना है, पढ़ना चाहिए आपको। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या चीज़ हमारी हो सकती है, तो लेट्स स्टार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट। तो पीएम श्री के बाद जो हमारा जो अगला सेगमेंट है जो स्कूल्स हैं, प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जैसा मैंने आपको बताया, तो दोनों आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, इसके पैरामीटर्स, इसकी रैंकिंग, इसके जो है वो क्या क्या प्रभाव होते हैं और इससे क्या बेनिफिट्स होता है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें दोस्तों, तो अगली कौन सी चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो अगली चीज़ में अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इन दोनों का अंतर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि दोनों प्रोग्राम्स में बेसिक अंतर क्या है और आप इसको भी तैयार करते हुए आप एग्ज़ाम में जाएंगे। नेक्स्ट वन है पुलिस बल का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, क्योंकि गृह मंत्रालय लगातार इस पर अपना बयान जारी कर रहा है और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं और भारतीय जो न्यायिक संहिता की स्थापना की गई उसमें पुलिस रिफॉर्म और ख़ासतौर पर जो एविडेंसेस एक्ट हैं उसमें बहुत सुधार करने की बात हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि इस बार यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने की हमें संभावना दिखाई पड़ती नज़र आती है। लेट्स स्टार्ट, आगे हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो प्रोग्राम में पुलिस के बाद जो हमारा अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हमें नज़र आता है वो है नदियों को आपस में जोड़ने का। ये भी केंद्र सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इस पर कई बार क्वेश्चन प्रिम्स में और मेंस में दोनों में बढ़ चुके हैं, जिसमें केन बेतवा लिंक के बारे में बात हुई, कावेरी पर लगातार प्रश्न बनता चला आया कावेरी जल विवाद को लेकर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं तीस्ता पर क्वेश्चन बन चुका है, तो आप जो नदियों को आपस में जोड़ने को लेकर परियोजनाएं चल रही हैं चाहे यमुना सतलज लिंक की बात हो रही हो तो इनके बारे में आपको एक जानकारी लेकर चलनी पड़ेगी। ये खुद जो है बजट कह रहा है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, अगर आप इन पर नज़र रखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। राइट दोस्तों, आगे हम चलें। अगला हमारा है मिशन शक्ति यानी महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे लिए चार जो हैं वो वर्ग हैं। कौन कौन से उन्होंने कहा? किसान, महिलाएं, युवा, जो ये हमारे तीन सबसे मर और गरीब। तो अंत्योदय जो है वो बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार प्रधानमंत्री इसको दिखा भी रहे हैं। जैसे कि अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखा होगा, केवल जो है वो महिला शक्ति का ही प्रदर्शन हुआ और तमाम इस तरह की चीज़ें हुई जहां पर महिला सशक्तिकरण पर बात हो रही है। किसानों से संबंधित और युवाओं से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कारण पर जो है प्रभाव पैदा होता है। यूपीएससी भी जो चर्चा में चल रहा है आपका फोकस वो मांगता है, अगर आप वो फोकस दे पाते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रोग्राम आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो मिशन शक्ति यानी महिला संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन जो है वो गवर्नमेंट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स में से एक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति, जो मछलियों के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में इस पर क्वेश्चन आ चुका है, फिर भी आपको ये पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे लगता है इस पर आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। सरकार कौन कौन से नए प्रोग्राम लेकर आ रही है इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अगला है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, वेरी गुड, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें आपने देखा कि भारत में युवाओं की उच्चतर शिक्षा में जो इनरोलमेंट है वो तेज़ी से बढ़ा, उसमें सबसे ज़्यादा जिसका बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की हुई है। महिलाएं हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा जिसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। स्पेशली इन प्रोग्राम की वजह से भारत के इनरोलमेंट्स हायर एजुकेशन में बढ़ रहे हैं। भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है हायर एजुकेशन में बढ़ाई करना, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एक हमारा टॉपिक है, इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगला मिशन वात्सल्य यानी बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ। मिशन वात्सल्य यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए हो सकता है, क्योंकि ये भी जो है वो हमारे प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पढ़ना है या आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है राज्यों के लिए शिक्षण ज्ञान अर्जन यानी सुदृढ़ीकरण और परिणाम यानी स्टडिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट्स, जिसे हम लोग स्टार्स प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर जो गुणवत्ता बढ़ाए जाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है दोनों को इन्हांसमेंट करने, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स ट्रेनिंग को भी इसमें इन्फ्यूज़ किया गया था। आपने देखा बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये उसका एक कोर एलिमेंट है, उसका एक कोर तत्व है। तो आप इसको जो है मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कई बार बहुत चर्चा में नहीं रहते हैं लेकिन सरकार के ये जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम में, ये कोर प्रोग्राम्स में से हैं। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम जो चमकती दमकती चीज़ें हैं वो उन्हीं को केवल करते हैं और फिर हमसे छूट जाता है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए रिसर्च करके आपके सामने इस चीज़ को लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी जिसे RGSA कहा जाता है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, दिस इज़ ऑल्सो
लेस नोन प्रोग्राम बट कोर प्रोग्राम है, और यहाँ पर क्वेश्चन ये आया जा सकता है क्योंकि जिस तरह से सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रही है और यहाँ पर माना जा रहा है कि गांव सुरजात तभी होंगे जब वो अपने दम पर प्रोडक्शन करने शुरू होंगे, माइक्रो प्रोडक्शन यूनिट्स के रूप में आएंगे, और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जब इस तरह के MSMEs प्रोडक्ट कुटीर उद्योग आगे बढ़ेंगे तो गांव जो है वो आगे सस्टेनेबल होते चले जाएंगे। तो ऊपर के जो प्रोग्राम है, चाहे वो पेयजल की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की बात हो, ग्रामीण सड़क की बात हो, वो सब कुछ गाँव को स्वराज की तरफ जोड़ने का एक जो है वो ओरलिस्टिक जो है मॉड्यूल है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट अगला है जीवंत ग्राम कार्यक्रम, वाइब्रेंट प्रोग्राम विलेज। अक्सर आपने प्रधानमंत्री को जब मंडपम में जाते हैं या इस तरह के कार्यक्रम देखते हैं तो गांव की हस्तकलाओं से लेकर जो गांव के पूरी शैली को जीवंत करने की बात हो रही है उसके अंतर्गत ये आता है। लेस नोन प्रोग्राम है, आपने ध्यान कम दिया होगा, लेकिन एग्जाम में कुछ भी अगर आ गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा प्रयास है कि एक एक प्रोग्राम को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। सो अगला प्रोग्राम हम देखते हैं, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर जुडिशरी। मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह से हमने न्यायिक संहिता में सुधार किया है, अपने कानूनों में सुधार किया, उसमें न्यायिक संरचनाओं पर सुधार के लिए लगातार जोर हो रहा है, पेंडिंग केसेस पर लगातार बात हो रही है, और हम ये देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा सुधारों की लगातार आवश्यकता बनी हुई है। सो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, चाहे वो ई कोर्ट फैसिलिटीज़ की बात हो, ई सुनवाई की बात हो, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, AI के यूज़ की बात हो रही है, तो बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेट्स स्टार्ट, अगला हम देखते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार फूड प्रोसेसिंग से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, चाहे मेगा फूड पार्क्स की बात हो, फूड प्रोसेसिंग की बात हो। इसमें माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम PMFME बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एग्जाम के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम बात करें पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव यानी एनवायरमेंट फॉरेस्टी एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, आप जो भी परियोजनाएं हैं उनको पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, खासतौर पे जो मिशन चीता रहा है या और भी महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं रही हैं उनके माध्यम से जो है वो आप जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, अन्य बेसिन की बात करें नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान अदर बेसिन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान है, एग्जाम में इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और उम्मीद है कि इसके माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं वो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, आप इसको हमारे साथ भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय नहीं है, टू द पॉइंट रहें, टू द पॉइंट पढ़ें और निश्चित रूप से उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जुड़े रहिए दोस्तों क्योंकि जल्दी ही मैं NCERT का बैच लेकर आ रहा हूँ मात्र 499 रुपये में, तो घबराना नहीं है, 499 का ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए बहुत कुछ काम कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट NCERT के इस बैच को भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो NCERT ओनली इन 499 यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, NCERT इन 499 वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाई द 8th of February, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरुकुल बैच में, गुरुकुल बैच की शुरुआत भी 7 तारीख से हो रही है, 7 फरवरी से, और साथ ही साथ 2 साल के बैच की शुरुआत 26 तारीख से हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप मेरे साथ अपनी काउंसलिंग चाहते हैं तो आप सिंपल 8750700 पर कॉल करके सारी जानकारी मुझसे पा सकते हैं, मेरे साथ अपनी काउंसलिंग को सेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जल्दी मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, और इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों तो अब देर किस बात की है, चलिए आज ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और क्या इससे आपको मदद हुई है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक मिलता हूं आपसे अगले किसी अन्य वीडियो में, आपका गाइड हो जाऊँ, नमस्कार।